अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इंदौर में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने नंगे पैर मस्जिद में प्रवेश किया और मजलिस में शामिल हुए। उन्होंने बोहरा समुदाय की तारीफ करते हुए उनकी राष्ट्रभक्ति को देश के लिए मिसाल बताया। ये कार्यक्रम हजरत इमाम हुसैन की शहादत के स्मरणोत्सव श्याम मुबारका में किया जा रहा है। बोहरा समाज के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुहर्रम की मजलिस के कार्यक्रम में कोई प्रधानमंत्री शामिल हो रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत के स्मरणोत्सव श्याम मुबारका में उपस्थित जनवरी समुदाय को संबोधित किया। इस मस्जिद का ताल्लुक मुसलमानों की उस जमात से है जो सबसे ज्यादा संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूत माने जाते हैं। कटर छवि से दूर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग ज्यादातर कारोबारी हैं। इसे मस्जिद में पीएम मोदी का चुनावी सजदा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद यूं तो नरेंद्र मोदी कई बार मस्जिदों में जा चुके हैं, लेकिन हर बार सजदा विदेश धरती पर हुआ है, यानी विदेश में कई बार पीएम मस्जिद जा चुके हैं। यह दूसरा मौका है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए देश की किसी मस्जिद में पहुंचे हैं। इसी साल मई में पीएम मोदी इंडोनेशिया की इस्तिकलाल मस्जिद भी गए। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी देश की किसी मस्जिद में जा रहे हैं। पिछले साल सितंबर में ही वो अहमदाबाद की मशहूर सिद्दी सैयद मस्जिद गए थे, तब उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहला मौका था जब पीएम देश की किसी मस्जिद में गए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई विदेशी दौरों पर वो मंदिर जा चुके हैं, लेकिन विदेशी दौरे पर उन्होंने मस्जिदों से भी किनारा नहीं किया। बड़े मुस्लिम देशों में वो मस्जिद भी गए, वहाँ वक्त बिताया। सबसे पहले साल 2015 में पीएम मोदी यूएई के दौरे पर शेख जायदे मस्जिद गए थे। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। फरवरी 2018 में पीएम मोदी ओमान यात्रा पर गए थे। यहाँ मस्कट में शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद वो सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद गए। ये मस्जिद ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद थी। जून में पीएम सिंगापुर गए, वहाँ की सबसे पुरानी चिलुया मस्जिद में गए। विदेशों में पीएम के मस्जिद जाने पर विपक्ष ने उन पर कई सवाल भी उठाए।